जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाला है लोया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में। लोया टेक्सटाइल का पूरा नाम लोया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। खबर यह आ रही है कि यह कंपनी बोनस और डिविडेंड देने जा रही है। यह बात कहां तक सच है और अगर बोनस तथा डिविडेंड मिलेगा भी तो कब मिलेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। हम लोग जानते हैं कि लोया टेक्सटाइल जो कंपनी है यह आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, यानी कि लोहे का रड और सरिया बनाने का यह कंपनी काम करता है। इसके अलावा यह कंपनी बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनके लिए हैवी इक्विपमेंट और मशीनरी तैयार करती है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर के कंपनियाँ हैं उनके लिए यह मशीनरी और बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाती है। इसके अलावा यह कंपनी ऑयल और गैस तथा पावर प्लांट के बिजनेस में भी इंगेज है, यानी कि तमाम तरह के यह कंपनी बिजनेस करती है। लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है आयरन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग से। अब अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1400 करोड़ से भी अधिक है। लेकिन लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से यह मान लेते हैं कि यह जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है, जबकि ऐसा नहीं है। इस कंपनी का वर्तमान शेयर प्राइस 14.60 रुपये के आसपास चल रहा है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस के हिसाब से बड़ी या छोटी नहीं होती, वो किस कैटेगरी में आती है यह डिपेंड करता है कि उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। उदाहरण के लिए यदि आप वोडाफोन और आइडिया कंपनी को देखेंगे तो उस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है लेकिन शेयर प्राइस काफ़ी कम है। लेकिन इस लिहाज से तो वोडाफोन और आइडिया को हम स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक नहीं कह सकते। वोडाफोन और आइडिया काफ़ी बड़ी कंपनी है, वह लार्ज कैप के सेगमेंट में आती है। अब आते हैं फिर से हम लोया टेक्सटाइल कंपनी पर। देखिए, अगर फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो यह कंपनी काफ़ी ठीक है। अभी भी इस कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से लगभग 11 टाइम्स अधिक ट्रेड कर रहा है। लोया टेक्सटाइल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE दोनों पॉजिटिव में है। कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी SM/JSM लिस्ट में नहीं है और अभी हाल ही में जो कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं, यानी कि जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट बढ़े हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि लोया टेक्सटाइल का जो असेट्स होता है अगर सालाना स्तर पर देखें तो यह भी बढ़ते हुए नज़र आया है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो जो MSCI और KSTA जैसे प्लेटफॉर्म है वह इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश देख रहे हैं और कम्युनिटी सेगमेंट में भी लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं, यानी कि लगभग 50% से अधिक लोग ये चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया जाए। अगर पिछले ट्रेडिंग डे के दिन की बात की जाए, यानी कि फ्राइडे के दिन, तो लगभग 9,54,000 क्वान्टिटी इस कंपनी के, यानी कि इतने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो 9,54,000 शेयर्स कंपनी के खरीदे और बेचे गए हैं। अगर बात की जाए कि कितने शेयर्स खरीदे गए हैं तो लगभग 6,82,000 शेयर्स 9,54,000 में से खरीदे गए हैं। और अगर परसेंटेज में देखें तो यह होता है लगभग 72% के आसपास, यानी कि कह सकते हैं 72% शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं, यानी कि कामकाज काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने उस सवाल पर जिसके लिए यह वीडियो है, क्या यह कंपनी डिविडेंड और बोनस देने जा रही है। देखिए, अभी हाल ही में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था। यह इसके लिए जो एक्स डेट रखा गया था वह था 4 अगस्त 2022, यानी कि इसी अगस्त माह में कंपनी ने 0.5 पैसा प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो दोबारा जो कि फाइनल डिविडेंड देने की बात कही जा रही है, इतनी जल्दी यह कंपनी डिविडेंड देगी इसकी संभावना बहुत कम है। एक तो यह कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है और इतनी जल्दी जल्दी डिविडेंड देगी इसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कंपनी से। फाइनल डिविडेंड की जो बात है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा या उसके अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी देने पर विचार कर सकती है। लेकिन अभी कंपनी को दोबारा डिविडेंड देने का, हालांकि यह फाइनल डिविडेंड है तो दोबारा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन फिलहाल कोई भी डिविडेंड देने का कंपनी का अभी कोई इरादा नहीं है। अब बात करते हैं बोनस शेयर की। देखिए, अभी तक इस कंपनी के रिकॉर्ड में कोई बोनस शेयर नहीं दिया गया है। अगर इस कंपनी का आप रिकॉर्ड लिस्ट चेक करेंगे तो अभी से लेकर पिछले कई सालों में कंपनी ने कभी भी बोनस शेयर नहीं दिए हैं और आगे भी बोनस शेयर देने का अभी कंपनी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में बोनस शेयर का अभी कोई नामो निशान नहीं है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ना तो अभी बोनस देने जा रही है, ना ही अभी डिविडेंड देने जा रही है। यदि डिविडेंड या बोनस को लेकर कोई नया अपडेट आता है तो मैं फिर से वीडियो बनाकर आप सबको इसके बारे में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।